दिन है, कल फिर कोई नहीं कहेगा आपको कि हाथ खड़े करो, ताली बजाओ। आपके हाथों में दर्द जरूर होगा, दर्द होगा तो शिविर की याद आएगी, माता जी की याद आएंगी, गुरुदेव की याद आएंगी। इसलिए ईमानदारी के साथ सभी लोग दोनों हाथ खड़े करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जो लोग सामने बैठे हुए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहेंगे, जय हो तेरी भक्ति गुरु साधक मन प्राण से बोलो जय गुरुदेव। और मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे को देखकर लोग खड़े हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। याद रखिए, मैंने कल भी कहा था कि गुरुदेव आपके सामने हैं, आप हैं और गुरु है, फिर कोई नहीं है। नारायण 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 श्रीमन नारायण।
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी से मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु विषय गुरु पूर्णिमा का दिन था और मैंने चंडीगढ़ की गुरु पूर्णिमा में मैं समझता हूँ वो 94 या 95 की बात है मैं चांदी की गुरु पादुकाएं करके गुरु जी के पास ले गया और उस दिन पूर्णिमा का दिन था। गुरु जी ने होटल में बुलाया और कहा कि गुरु जी मैं ये पादुका आपको समर्पण करने के लिए आया हूँ। तो गुरुजी ने वो पादुकाएं डाली पूजा की और जोशी इन पादुकाओं को तो मुझे समर्पित कर दिया है इसे अब सर पे उठा लेकर हैदराबाद में ले जाकर रख देना क्योंकि आने वाला कल बताएगा कि पादुकाओं का महत्व क्या है और मैं आज देख रहा हूँ कि पादुकाओं का महत्व क्या है। मेरा महत्व नहीं है वो पादुकाएं जो गुरुजी ने पहनी हुई थी गुरु पूर्णिमा में उसका महत्व आज मैं देख रहा हूँ। वे आज विराजमान है हम गुरु के शरीर की या गुरु के सर की पूजा नहीं करते हम गुरु जी के पादुकाओं की पूजा करते हैं कि पादुकाओं में ही गुरु जी रहते हैं और उन पादुकाओं को जो गुरु जी को समर्पित करने के लिए गया था उन्होंने उन पादुकाओं को मेरे को देते हुए कहा इसे सर पे उठा ले जाकर तो हैदराबाद ले जाना है। उस दिन मेरी अज्ञानता को गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा मेरे पादुकाएं क्यों नहीं ली इस बात की चिंता रही लेकिन आज उसका कारण मुझे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने मुझे कौन सा कार्य सौंपा क्यों पादुकाएं यहाँ रखने के लिए कहा और जो कार्य आगे लेकर मैं चिंतन करते हुए उन पादुकाओं पर सर पे रखा और जो विचार आए आज भी उस विचार का ही यह परिणाम है कि आप आश्रम देख रहे हैं। ये बात अलग है कि आश्रम में जगह कम पड़ गई लेकिन गुरु के हृदय में बहुत बड़ी जगह है आप हृदय में बैठ सकते हैं क्योंकि हृदय विशाल है आप अपनी जगह संभाल प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपके लिए जगह बढ़ाता चला जाऊं लेकिन बढ़ाते चले जाने के बाद मैंने देखा ब्रह्मांड भी हमारे लिए कम पड़ेगा। तो गुरुजी ने पूछा मैंने गुरुजी से पूछा कि प्रभु अब जगह कम पड़ रही है बेटा मेरा हृदय है उसमें बैठ जा कितनी भी जगह और भी आ जाएगी तो इतने और भी 100,000 लोगों को लेके आ मेरा हृदय बहुत बड़ा जिसमें सारे ब्रह्मांड समाये हुए। उस परम पूज्य सद्गुरुदेव को वही पूर्णता मांगते हुए कह रहा हूँ कि ये सारे मेरे जितने भी लोग आपने मुझे सौंपे हैं या मेरे सामने बैठे हुए हैं प्रभु वे सब आपके गुरु के हृदय में बैठे और जब वे गुरु के हृदय में विराजमान हैं तो उनकी तो सारी इच्छाएं तो होती ही नहीं और इच्छा होती है तो स्वयं इच्छाएं और संकल्प मात्र से उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। पहले इनको आपके हृदय में बैठने के लिए जगह दे हृदय में बैठने के लिए गुरु के हृदय में बैठने के लिए क्या चाहिए वो तो हृदय अपना तो खुला है वो तो अपना दरवाजा खुला करके बैठे हैं लेकिन हम ही हैं हमारे पांव को जकड़े हुए बैठे हुए हम वहाँ गुरु के हृदय तक जाते ही नहीं क्यों नहीं जाते कि हमें पता है वहाँ जिसके पांव मैले हुए हो पांव धोए हुए नहीं हो वो स्वच्छ जगह पर जाने से पहले अपने पांव धोने की प्रक्रिया करता है अरे मेरे पांव को कीचड़ लगा हुआ है और वहाँ फर्श अच्छा संगमरमर का बना हुआ है पहले पांव धोकर अंदर जाऊं। तो यह प्रक्रिया यह है कि अपनी शुद्धि चाहता है वो उसी तरह यहाँ भी आप बैठे हुए हैं पहले आप शुद्ध हो जाए गुरु का हृदय खुला हुआ है तो आपको सभी लोगों को जगह मिल जाएगी। तो ये शुद्धता की प्रक्रिया क्या है किस तरह हम शुद्ध हो अपने आप को शुद्ध किस तरह करें कौन सी शुद्धि से हम गुरु के हृदय में जाकर बैठ सकते हैं और जब गुरु के हृदय में जाकर बैठ सकते हैं तो मैंने जैसा कल कहा कि सारे देवताएं हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े रहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड उनमें है। काल की गणना करने वाले काल को जानने वाले ओंकार स्वरूप ओंकार से भी अतीत और ओंकार की सृष्टि करने वाले जैसे जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर का है सत्वरज तमोगुणों से युक्त है सृष्टि स्थिति लायक कारक है ऐसे ही लोगों को हमने उस गुरु तत्व को और गुरु आकर्षण को देखा है कि वो गुरुमय है गुरु को ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर का है जिनमें सृष्टि स्थिति लय तीनों भी गुण हैं और जिनमें सत्र तमोगुण तीनों भी है और इन तीनों गुणों को लेकर जो काल का ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं ऐसे महाकाल को ही हम गुरु कहते हैं जिस काल के सामने कोई टिकता नहीं और उस काल ने कहा कि मैं काल का दिव्य शक्ति हूँ मैंने काल इस सृष्टि की है तो शक्ति ने कहा मेरे बगैर तू क्या है और जब शक्ति उसके ऊपर पैर रख दी और उसने बताया कि हे काल तेरे जैसे बहुत सारे कालों को मैं कहने वालों को मैंने मुंड उसके मुंड कटवा के मेरे गले में डाला है वही मुंडमाला मैंने पहनी हुई है तो देख यहाँ कोई मैं कहने वाला टिका नहीं जो सिर्फ गुरु हृदय में बैठा हुआ है उसको मैं कहने का अधिकार नहीं होता और उसको मैं छूती भी नहीं
और काली नहीं हो। महाकाल ने कहा जो गुरु के हृदय में बैठा है उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता, इसलिए महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हो या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो या साक्षात यम हो, जो गुरु के हृदय में बैठा है उसको तो छू तक नहीं सकते। और हमें गुरु के हृदय में बैठने की वो प्रक्रिया आनी चाहिए, हमें शुद्धता आनी चाहिए। और हम जब तक ये कार्य नहीं करते तब तक हमारे या हमारे जीवन में हम वो दिव्य अनुभव नहीं करते जो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए मैंने जो कल बात कही कि दक्षिण काली मुंड माला प्रयोग, जिसको माँ काली ने कहा कि मैं काल हूँ और हम काल से आबद्ध है, काल काली से आबद्ध है। और जिसने काली की प्रशंसा की, काली की स्तुति की, काली को प्रसन्न कर लिया वह काल विजयी कहा गया। और जिसने काल विजय किया वही संसार का उस काल तक उस धन्वंतर हम काल की गणना करते हैं, चाहे वो मनवंतर हो, चाहे वो युग हो, सत्य युग हो या त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, इसकी गणना हमने की है। लेकिन गणना के अतीत भी है, जिसकी गणना की नहीं जाती है ऐसा अतीत भी है। उस अतीत को जो काली की साधना करता है उस अतीत को प्राप्त करता है। हम एक काल में बंधे हुए लोग, इस काल से छूटे कैसे, इसको जानने के लिए ही हमें महाकाली की साधना करनी है, महाकाल को जानना है। आज पूर्णत्वता की प्राप्ति के लिए मैंने जिस दक्षिण काली का मैंने कल आपको जिक्र किया था वह काली के साधक परम पूज्य सद्गुरुदेव। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कामाख्या में गुरुजी हर नवरात्रि में 9 दिन रहकर उस काली की साधना करके आया करते थे, जो 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 काली के लिए काली का शक्तिपीठ कामाख्या पीठ कहलाया जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ गुरुजी ना गए। जब मैं कहता हूँ कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जैसे हमारे गुरुदेव काली साधना करके काली को प्रत्यक्ष करने का विधान करते हैं, तो हम साधना रख क्यों ना, हम काल के जयी और काल को विजय करने वाले महाकाल क्यों नहीं कह रहे। हम जब तक साधना रत नहीं है तब तक हमारी शरीर की शुद्धि नहीं होती। काल हमें शुद्ध नहीं करता, काल अपना प्रभाव हमारे पर बताता है। काल का प्रभाव मैंने आपको बताया, हम अगर ग्रीष्म काल हो तो हमें धूप लगती है, बारिश का सीजन हो तो बारिश हमारे ऊपर अपना प्रभाव बताती है, और ठंडी का सीजन हो तो ठंडी। लेकिन काल विजयी वो होता है इस काल हमारे ऊपर प्रभाव नहीं बताता। और गुरु जी कहते हैं कि वही सिद्धाश्रम जहाँ काल का प्रभाव नहीं होता, काल किसी का प्रभाव किसी प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर बतलाता नहीं। तो ऐसे सिद्धाश्रम में हम कैसे पहुंचे, क्यों गुरुजी ने कहा कि आपको सिद्धाश्रम पहुंचना है, और सिद्धाश्रम पहुंचने से पहले तुम्हें 3 महाविद्याएं सिद्ध करनी है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही 3 महाविद्याओं का सिद्ध करना ही आपकी शरीर शुद्धि है और गुरु के हृदय में पहुंचने की प्रक्रिया है। क्योंकि गुरु के हृदय ने चित्कार करके कहा है कि मैंने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है और आप सभी को सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, सिद्धाश्रम पहुंचना है। और वही गुरु हृदय है, वह गुरु हृदय है जो कहता है कि मैंने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है और आपको सिद्धाश्रम पहुंचना है। जब तक यह कार्य नहीं होता तब तक हम गुरु के ऋण में हैं, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं यह आपको जानना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तक आज 9वीं काली है, उसमें मैं जिस मुंडमाला प्रयोग का, दक्षिण काली मुंडमाला प्रयोग का मैंने कल जिक्र किया था, ऐसी मुंडमाला प्रयोग का प्रयोग केवल महाकाल किया था, केवल महाकाल ने। और मैंने जैसा किया था आज 3 राज्यों में राज्य अधिकार जिसके ऊपर सारे अंग्रेजों ने आए और बहुत सारे लोगों ने दंड यात्रा की, लेकिन यह लोग विजयी रहे और उनको नहीं कर सके, जैसे उदयपुर के महाराजा हो या ग्वालियर के महाराजा और नेपाल का हिंदू राज्य हो, जहां दक्षिण काली रहने से आज तक भी उन्हें कोई जीत नहीं सका। उसका विधान क्या है और मुंडमाला प्रयोग क्या है ये मैंने आपको अभी बतलाना है। लेकिन आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्णता प्राप्त करने से पहले, हम पूर्णता गुरु से प्राप्त करने से पहले, गुरु को आशीर्वाद लेने से पहले गुरु वचनों को याद रखें। गुरु का हृदय सिद्धाश्रम की ओर अपने को ले जाने की बात करता है, और उन्होंने उस संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम सिद्धाश्रम साधक परिवार था। क्यों सिद्धाश्रम जाना चाहिए ये सिद्धाश्रम का उस योगी, वह योगी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बतलाते हैं। क्यों उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कोई स्वर्ग की बात नहीं कही या मोक्ष की बात नहीं कही या वैकुंठ या शिव को प्राप्त करने की बात नहीं की, उन्होंने केवल कहा तुम्हें सिद्धाश्रम पहुंचना है। और उसके इस चिंतन को जब तक हम नहीं लेते हम तब तक हमारे गुरुवचनों से बंधे हुए नहीं है, हम गुरुवचनों को लेकर चलने वाले नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ गुरुजी के शिष्य बहुत सारे गुरु हुए होंगे, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूँ मैं गुरु भाई हूँ, मैं गुरु का चिंतन लेकर चलने वाला हूँ और आपको भी मेरे साथ लेकर चल रहा हूँ। ये बात अलग है, आप विश्वास के साथ या आपकी अभिव्यक्ति मन की करने के लिए आप मुझे गुरु कहते हैं और मैं उस बात को नकार कहते हुए बैठता हूँ। बार बार सभी को कहना
मुझे गुरु मत कहो, गुरु भाई को, ऐसा मैं नहीं कह सकता। और ये कहते कहते बैठो तो इतने लोगों को कहते कहते मेरा दिन भी चला जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सकेगा। इसलिए मैं आपको फिर भी इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, मैं गुरु भाई हूँ और गुरु के वचनों को लेकर चलने वाला हूँ और गुरु के वचनों को लेकर चल रहा हूँ, जिसने मैंने इस साल एक कदम आगे बढ़ा है, मैं मानस सरोवर तक पहुंचाऊँ। और गुरु जी ने कहा है कैलाश मानस सरोवर से 200 किलोमीटर पे सिद्धाश्रम है, और अगली परिक्रमा जब होगी तो सिद्धाश्रम से कैलाश से 100 किलोमीटर आगे जरूर जाऊंगा, और तीसरी परिक्रमा में 200 किलोमीटर तक जाकर उस दरवाजे को खटखटाऊंगा, गुरु जी मैं आया हूँ। और इस 3 साल में हर गुरु पूर्णिमा को एक ऐसी साधना जरूर दूंगा जो दश महाविद्या की एक साधना होगी, और जो करने वाला होगा जो सिद्धाश्रम की ओर एक पग जरूर बढ़ाएगा, चाहे वो कितना भी गरीब हो या कितना भी अशक्त हो, चाहे हार्ट अटैक आया हुआ हो, मैं ले जाऊंगा, मैं वचन देता हूँ। आप एक बात याद रखें, गुरु पर विश्वास रखें और दी हुई साधनाओं को संपूर्ण करें। गुरु की निंदा मैं कल भी कहा, आज भी कहा और कल भी कह रहा हूं, जब तक गुरु निंदा को और गुरु स्तुति को बदलते नहीं, आपके मन के विचारों को बदलते नहीं, तब तक आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपकी दरिद्रता मिटाना है तो गुरु पर विश्वास करो, गुरु पर भक्ति करो, गुरु मंत्र जप करो। गुरु जी ये नाव आपकी नदी में छोड़ दिए, इसको पतवार नहीं है, ये कहां जाएगी इसका हमें पता नहीं है, लेकिन हमने तो कूदी डाल दी है, हम जरूर किनारे लग जाएंगे, भरोसा आप पर है। हमारे जीवन में अड़चने आएगी, ऐसा कोई गुरु जी नहीं कहा, ऐसा कोई संत, कोई महात्मा, कोई देवता इस पृथ्वी पर आया और ऐसा नहीं बना जो पांव पे पांव डालकर सोया हुआ संत या महात्मा या देवता बना, उसके जीवन में अड़चने आई, अड़चने आती है, और इन अड़चनों को निकालने के लिए ही हमारे पास दश महाविद्याएं हैं या और सारे व्रत और सारे साधनाएं हैं। जब तक मनुष्य साधनाएं करके सफल नहीं होता, तब तक उन तत्वों को प्राप्त नहीं कर सकता जो गुरुजी ने कहा है। बहुत सारे लोग सामने बताने के लिए एक तरह जीते हैं, यह व्यवहार जब तक बंद नहीं होता तब तक गुरु प्राप्ति या गुरु के चिंतन को या गुरु के वचनों को लेकर आगे चलने का कार्यक्रम नहीं होता। हमारे जीवन में लोग अड़चन पैदा करने वाले आज नहीं, चाहे इंद्र ने तपस्या की हो, चाहे भगवान विष्णु ने तपस्या की हो, राम ने तपस्या की हो, राम को भी वनवास भोगना पड़ा, कृष्ण को मानने वाले पांडवों को भी वनवास करना पड़ा, या और कोई तपस्या करने वालों को भी अड़चनें बहुत आई, लेकिन वही सिद्ध कहलाया जो इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ा, अपने आप को अड़चन ना मानते हुए आगे चला, वही तपस्यावान कहलाया गया, वही देवताओं के आगे कहलाएगा। और जब तक आप इस तत्व को लेकर आगे नहीं चलेंगे, तब तक गुरुवचनों को लेकर सिद्धाश्रम पहुंचेंगे नहीं। मैं आज इसीलिए कह रहा हूं दक्षिण काली की वो पहली साधना जो मैं 3 साल में आपको सिद्धाश्रम के द्वार पर खटखटाने के लिए ले जाने के लिए कर रहा हूं, उसका पहला चरण आज आरंभ कर रहा हूं, जो दक्षिण काली मुंडमाला प्रयोग से आरंभ होता है। आपके जीवन में ऐसा होगा ही नहीं कि आपके जीवन में ना कोई शीतोष्ण या कोई काल आपके ऊपर प्रभाव बताएगा, कोई रोग बताएगा या कोई ऋण, कोई बाधा, कोई ऐसी अड़चन, कोई पितरों की जो आपको कैलाश को लेते हुए कोई रोके, अगर आप ये साधना संपूर्ण करते हैं और आप सिद्धाश्रम को पहुंचने में आपको कोई रोकने वाला हो नहीं सकता जो ये साधना पूर्ण करता है। चाहे पहाड़ गिरने दो या चाहे और वहां ऑक्सीजन कम होने दो, ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है, ऑक्सीजन ना होने दो, हम जाएंगे जरूर, क्योंकि ये काल होता है। और ये काल विजयी जब तक हम नहीं बनते तब तक हम कुछ साध नहीं सकते। हम डर कर जो जीते हैं वो जीना नहीं चाहिए। मुंडमाला का दक्षिण काली प्रयोग ये बताता है कि तुम्हें भय नहीं करना है। जो आदमी निर्भयी होता है, जो निरोगी होता है, जो ऋण से विमुक्त होता है, जो शत्रु बाधा से विमुक्त होता है, वो विचृंखल स्वतंत्र आदमी होता है, और इसे ही तंत्र कहा गया है। जो स्वतंत्र होता है वही तंत्र करने वाला होता है, और जब तक परतंत्र है, हम दूसरों के अधीन है, हम किसी को आशा करते हैं कि मुझे यक्षिणी आकर कुछ करेगी, मुझे अप्सरा आकर कुछ करेगी, मुझे कोई देवता आकर सहायता करेगा, ये गलत बात है। केवल आपको कर सकता है तो गुरु हृदय में बैठने वाला गुरु कर सकता है, और गुरु के सामने आप बैठे हुए कर सकते हैं, देवता आपके सामने आएंगे। देवताओं को आना ही होगा अगर आप गुरु के प्रति निष्ठावान हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने भी यही वचन कहा था, शिष्य पूर्णत्वता की प्राप्ति करने के लिए गुरु के सामने आते हैं, और गुरु पूर्णता प्रदान करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन बैठे हुए। पूर्णिमा के दिन पूर्णत्वता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में पूर्ण समर्पित भावना रखें, और जब पूर्ण समर्पित भावना होगी आपका रोम रोम गुरु जी के प्रति आकर्षित होगा, आपका वजन गुरु जी के प्रति होगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि संसार आपको आपकी ओर आकर्षित हो। मैं कभी भी बताता हूं, लोह चुंबक में या मैग्नेट में एक तरीका होता है। मैग्नेट का मतलब होता है गुरु जी मैंने वशीकरण साधना की, मैंने सम्मोहन साधना की, मैं आकर्षण साधना, मैं सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों कि तेरे में वो लोह चुंबकता नहीं है। मैग्नेट में एक गुण होता है कि तुम्हारे शरीर के सारे मैग्नेट के जितने भी कण हैं वो एक ही तरफ से प्रवाह करते रहे, बहते रहे, तब मैग्नेट में दूसरों को खींचने की शक्ति होती है।
और तुम एक ऐसे हो कि तुम्हारा एक प्रवाह गुरु की तरफ होता ही नहीं। चार गुरुओं ने चार तरफ बुलाया, आप चार तरफ गए। वो गुरु ने कहा तू काली साधना कर मत कर, उस गुरु ने कहा है ना नहीं तू तारी तारा साधना कर ले। तीसरा गुरु कहता है तू तारा नहीं किया है तू बगला मुखी कर ले। और तुम तीनों के नहीं रहते ना, कहीं गुरु के नहीं रहते, कहीं के भी नहीं रहते। जब तक गुरु के प्रति हमारी निष्ठा नहीं रहती, हमारा रोम रोम गुरु के प्रति आकर्षित नहीं होता, तब तक संसार तुम्हारे ऊपर या कोई देवता तुम्हारे ऊपर आकर्षित नहीं होता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पहले हमारा रोम, हमारा मंत्र, हमारा कर्ण, हमारे शरीर का रक्त कण भी गुरु का नाम लेते हुए कहें तो सारा जग तुम्हारे वश में होगा, सारे देवताएं तुम्हारे वश में होगी। यह प्रक्रिया हम केवल महाविद्याओं से सीखते हैं और यही प्रयोग दक्षिणकाली मुंडमाला प्रयोग आपको समझाता है। आज इस गुरु पूर्णिमा की पूर्णत्वता के दिन मैं आपसे यही बात कह रहा था कि आज हम सिद्धाश्रम का दर्शन ले या सिद्धाश्रम के संतों का दर्शन ले तो यह किस प्रकार से होता है। पहले गुरु जी कहा करते थे अर्जुन को भी, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण कई साल रहे, पांडवों के साथ कई साल रहे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को एक यदुकुल का एक राजा ही समझा जो उनकी सहायता कर रहा है। युद्ध में अर्जुन ने युद्ध के समय में कह दिया कि प्रभुवान हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करता। क्यों कहा? क्योंकि वो कृष्ण की सत्ता नहीं जानता था। तब कृष्ण को क्या करना पड़ा कि उसके दिव्य चक्षु प्रदान करने पड़े, हे अर्जुन तू कुछ युद्ध नहीं कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूं, देख मैं तुझे क्या बतलाता हूं, मैं क्या चीज हूं। तूने आज तक मुझे सिर्फ मानव रूप में देखा है, मेरी दिव्यता मैं तुझे बतलाता हूं। और कृष्ण से दिव्य चक्षु प्रदान किए, जबकि हजारों लाखों लोग, चार अक्षौणी सैन्य बैठा हुआ था, केवल अर्जुन को दिव्य चक्षु बताए और अपना विश्व रूप उसे बता दिया। जब अर्जुन ने वो रूप देखा और देखकर कहा है कृष्ण वंदे जगत गुरु, प्रभु कृष्ण मैं आज से आपकी जो भी बात कही हुई मैं मानूंगा, और उसने धर्म युद्ध में विजय पाई। जबकि सभी लोग वहां खड़े हुए थे लेकिन उनको दिव्य चक्षु न रहने के कारण कृष्ण का विश्व रूप नहीं देख सके। और हमें उस दिव्य चक्षु की प्राप्ति होनी चाहिए, तब तक हम गुरु को देख नहीं सकते, गुरु के चरणों में समर्पित नहीं हो सकते। और जब तक यह काल हमें यह ज्ञान नहीं देता हम आगे इस संसार में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम इन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं कि गुरु जी मुझे नौकरी नहीं लगी, मुझे बेटा नहीं हुआ, मेरे माँ बाप ठीक नहीं है, हम इसी बंधनों में गुंथे हैं। तुम्हें इस बंधनों में गुंथने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक सक्षम गुरु के शिष्य हो, एक सक्षम गुरु का मंत्र तुम कर रहे हो और उस मंत्र में इतना प्रभाव है कि वो ब्रह्मांड को हिला सकता है। मंत्र गुरु, गुरु और देवता में जब तक ये भावना नहीं आती हमारे में, हम अपने आप को अशक्त और असमर्थ समझते हैं। और जब तक उस मंत्र की श्रेष्ठता समझेंगे हमारे सामने कोई टिक नहीं सकेगा, चाहे वो ब्रह्मांड का कोई राक्षस हो, कोई दैत्य हो, मैं तो कहता हूं चाहे वो देवता भी हो। मैंने जैसा कल बताया कि दधीची शिव भक्त, शिव को गुरु मानकर चलने वाला, विष्णु के चक्र को भी उसने खंडित कर दिया। ऐसे कितने ही हमारे संसार में उदात्त है। नवनाथों में रेवणनाथ था जो कैलाश और वैकुंठ खिला दिया अपनी तपस्या के कारण, अपने गुरु मंत्र के कारण। हमारे में आज शक्ति वो खो गई है, हमारे में वहां शक्ति नहीं है, हमारे गुरु के प्रति हमें विश्वास नहीं है। और जब तक विश्वास नहीं होता, जब तक समर्पण नहीं होता, तब तक हम इस कार्य को नहीं कर सकते। मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपको यही कह रहा हूं कि आप अगर पूर्णता चाहते हैं तो पहले पूर्णता के साथ समर्पण भाव सीखो। मैं आज तक कभी किसी को, यानी यहां के लोगों के सिवा कभी बताया नहीं पूर्णता क्या होती है। मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में, गुरु जी के पास मैंने 86 में दीक्षा ली और मैंने बहुत बार बतलाया। 3 जून 93 तक गुरुजी ने मुझे, मेरे को पूर्ण तरीके से पत्थर पे कसा। एक एक दिन ऐसा गुजरा कि आज सुसाइड कर लूं या कल सुसाइड कर लूं, ऐसे दिन भी मैंने देखे। चाहे उरुण बाधा हो, रोग बाधा हो, घर में बंधुओं की मरने की संख्या हो, या मेरे नौकरी की छोड़ने की हो, या फिर दिन दिन का गुजरना हो, लेकिन 3 जून 93 के दिन जिस दिन मैंने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा प्रभु मैं आपका सामर्थ्यवान शिष्य बनकर जीना चाहता हूं या तो फिर मेरे लिए मरण प्रदान करो, और जो उस दिन का गुरुजी के वचन मुझे याद है, जैसी तू मुझे मेरी परीक्षा में पास हो गया आज से तुझे वो दिन पलट के देखना नहीं पड़ेगा। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि वो समर्पण था या नहीं था, लेकिन गुरुजी की कृपा तो हुई, मैं पलट के फिर उस दिन को नहीं देखा। आज भाग्यवान, आज सौभाग्यवान, आज सामर्थ्यवान। चाहे मेरे जीवन में बहुत लोगों ने अड़चने निर्माण की होगी, लाखों करोड़ों का नुकसान किया होगा, लेकिन कभी डटा रहा, डर के भागा नहीं। लोगों ने मेरे ऊपर कितने भी प्रहार किए होंगे मैं भागा नहीं। जैसा गुरुजी ने कहा था कि एक योग्य सन्यासी और कृष्ण बहुत बार पूछते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो थे द्रौपदी का चीर हरण करते हुए देखते रहे, और द्रौपदी को पूछा तो द्रौपदी को चीर दे दिया उन्होंने, अगर उसी समय दुशासन को खत्म कर देते महाभारत युद्ध ही नहीं होता था, दुशासन वही खत्म हो जाता था,
तो वो ये प्रश्न ही नहीं उठता था। उस समय सीता को रावण उठा नहीं लेता, शूर्पणखा के नाक कान नहीं काटते तो रामायण ही होता नहीं था। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि एक योग्य गुरु, एक योग्य संत क्या कहता है, इस संसार में इस अच्छाई बुराई थोड़ा दिन, 12 घंटे रात है तो 12 घंटे दिन है, तो रात को हम दिन में बदलने की प्रक्रिया बहुत करते हैं, दिए लगाते हैं, बहुत बड़े लाइट लगाते हैं, लेकिन उस सूर्य का प्रभाव नहीं होता, तेजस्वी नहीं प्रभाव होता। और काल इसी प्रकार अपना प्रभाव बताता है। और एक योग्य पुरुष, योग्य संत, उसके चाहे छोटे छोटे प्रहार कितने भी सहन लेता है, लेकिन जिस दिन वह प्रहार करेगा संसार का एक आदमी नहीं टिकेगा, सारा कौरव सैन्य एक ही साथ समाप्त हो जाएगा। ये गुरु की प्रक्रिया होती है, एक ब्रह्मांड की प्रक्रिया होती है। और वह प्रभाव प्रहार करने से डरता नहीं, वह सहन कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह डरपोक है या वह असमर्थ है, वह उनको चांस दे रहा है। शिशुपाल को भी उन्होंने 100 गलतियां करने तक चांस दिया था। मैं आज आपको एक बात इसलिए कह रहा हूं कि आप भी पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं हमारे जीवन में, तो पहले ये बात सीखो कि हम गुरु के प्रति समर्पित है या नहीं, हमने दशमाविद्याओं को सिद्ध किया है या नहीं, दशमाविद्याओं को सिद्ध करते हुए हम सिद्धाश्रम की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं, हम गुरु के वचनों को कितनी रूप से पालन कर रहे हैं। और जिस दिन गुरु जी ने वो वचन दिया, मैं एक एक मेरे जीवन में एक एक चमत्कार देखते गया। वो चमत्कार ऐसे बहुत सारे थे, तो मैं एक दिन, एक नवरात्रि के दिन, आज आपको बहुत सारे लोगों को, यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक सामर्थ्यवान शिष्य को गुरु जी किस तरह बनाते हैं और ये साधनाएं हैं, ये बताने के लिए मैं बता रहा हूं। ये मेरे बड़प्पन नहीं है, मेरे ऊपर गुरु कृपा है। एक नवरात्रि में, यहां हर नवरात्रि को एक गुंटूर के साधक थे जिन्हें प्रसाद राय कुलपति के नाम से जाना जाता था, जो प्रिंसिपल थे गुंटूर के, बहुत बड़े साधक थे, अपने अपने जीवन के 50-60 साल साधनारत थे। और वे यूं ही मिले और उन्होंने गुरुजी का दर्शन लिया, गुरुजी ने उनका एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने मुझे कहा था कि गुरुजी के हाथ से पुस्तक का विमोचन करवाओ, और मैंने वो पुस्तक का विमोचन किया। बाद में उन्होंने साधनाओं की बारीकियां पूछी, मैं हर बार देता था। वो नवरात्रि करने से पहले मुझे बुलाते थे, तो एक जन्म एक बार ऐसे ही आते आते बात हो गई कि जोशी जी, मैं बहुत दिनों से साधनारत हूं, बहुत साधनाएं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। मैं उस आदमी को अपने 60 साल तक साधना करते हुए देखा, और उसके उस दिन उनके आंखों में आंसू देखा कि वो अपने साधनाओं को सिद्ध ना होते हुए उन्हें देख रहे थे। मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना की और उनका पूर्व जन्म देख कर कहा कि आप एक ऐसी जगह जहां साधना रखते गत जन्म में, और वहां आपने काली की मूर्ति को साधना छोड़कर यहाँ चले आए, और उस मूर्ति की अधेरे में छोड़कर आए, वहां कपालेश्वर कालिदास नाम का एक साधु आज भी पूजा करते हुए आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब लौटेंगे और वो काली का विग्रह आपको कब दे दें। ये बात मैंने उनको बताई। वो अपने आयु से ज्यादा, वो आयु से वृद्ध होने के कारण कहो या आयु ज्यादा प्राप्त करने के कारण 60-65 साल में उन्होंने कहा कि मैं उस जंगल में जहां आप कह रहे हो वहां तक मैं नहीं चल सकता जोशी जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैं एक बार उस काली का दर्शन कर लूं। मैं विचार में पड़ गया। एक नवरात्र चली गई, दूसरी नवरात्र आई, तो फिर उन्होंने वही बात दोहराई। तो मैंने कहा कि अगर गुरु कृपा हुई तो अगले नवरात्रि में देखेंगे, मैं उस काली का दर्शन तुम्हें करवा दूंगा। मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव से कभी आज तक चमत्कार की बात आपसे कही और न कहूंगा भी, लेकिन कह रहा हूं कि मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव में सामर्थ्य है, वो शिष्यों को सामर्थ्यवान बना सकते हैं अगर वह हम साधक हैं तो। और मैं उस महान भाव के उस नवरात्रि में वहां बैठे हुए उन्होंने कहा कि मैं मेरे काली का दर्शन लेना चाहता हूं। मैंने कहा मैं एक शर्त पर उस काली का दर्शन आपको करवा सकता हूं, यहां लाकर आप उस काली का मंदिर बांधकर आप ही स्वयं काली की पूजा करेंगे तो मैं उस काली को यहां मंगवा लेता हूं। आज आप गुंटूर में जाकर देख सकते हैं उस काली को, कम से कम 600 किलोमीटर दूर से आकाश मार्ग से काली की मूर्ति को मंगवाया, जो 20 लोग भी उठा नहीं सकते, उस काली की मूर्ति नवरात्रि के पहले दिन वहां ही और आज स्थापन हुई है, और आज उसके पुजारी रहते हुए उन्होंने संन्यास लेकर कुर्ताणम नाम के एक बहुत बड़े पीठ के पीठाधिपति हुए, जिन्हें आज सिद्धेश्वरानंद स्वामी के नाम से जाना जाता है। मैं ये मेरी प्रशंसा के लिए बात नहीं कह रहा हूं, यहां गुंटूर के लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे जान सकते हैं कि ये बात हुई है या नहीं हुई है। राजमौली जी उठ के खड़े रह जाइए, वे प्रत्यक्ष साक्षी है गुंटूर के, जो लोगों ने देखा है उस काली मूर्ति को, आज भी आप मंदिर में जाके देख सकते हैं। और यही बात कहते हुए मैं आपको
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी साधनाओं में शक्ति नहीं है या गुरु में सामर्थ्य नहीं है। आपके सामर्थ्य में कमी है, आपके गुरु के प्रति विश्वास कम है, इसलिए नहीं होता। मैंने गुरु का सामर्थ्य देखा है और बतलाया भी है और आपको भी बतलाऊंगा, ये वचन देता हूं। इस वचन के पीछे आज इस वचन के पीछे भी एक बात आपको आज भी बतला दे रहा हूं। हमारे अष्टामोड़ के साधक, सोलापुर के साधकों ने मेरे कहने पर इस मंदिर को बनाया। उन्होंने कहा, गुरुजी इस मंदिर में आप क्या बिठाने वाले, क्या करने वाले? बहुत विचार करते रहा, स्वामी निखिलेश्वर जी की मूर्ति की स्थापना करूं या ईश्वर की स्थापना करूं, शिवलिंग की स्थापना करूं। बहुत देर विचार करते रहा और इस विचार में ये सारे दिन गुजरते चले गए। मंदिर उन्होंने अपने कष्ट से बहुत मेहनत ली और ये मंदिर बनाया। आज भी वो लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ये मंदिर कब आरंभ होने वाला है? देह बन गया है, उसमें प्राण डालने, प्राण तभी पड़ते हैं जब उसमें विग्रह हो, वही आत्मा कहलाई जाती है। बहुत विचार करता रहा कि क्या करना चाहिए। मेरा पहले से मनीषा था कि दशमा विद्याओं के मंदिर यहां बनाना है। काली के मंदिर काले पत्थर से हो तो बगलाओं का मंदिर पीले पत्थर से हो और जयपुर के पत्थर से पिंक कलर में तारा का मंदिर हो, ऐसे मैं पत्थर मंगवा कर उसी तत्व वाले मंदिर को मैं बनवा सकूं। तो यह मंदिर काले पत्थर से बना। जब देखते रहा कि काले पत्थर से मंदिर बना है तो क्यों ना महाकाली का ही, यहां महाकाली को ही स्थापना करूं। अभी मैं हमारे शेषु महाराज से, उदय महाराज से बताया कि एक तिथि निकालो जिस दिन हम यहां मां काली की स्थापना करेंगे। तो हमारे बहुत कम समय में मेरे साथ आकर भी मेरे साथ जुड़े रहने वाले प्रसाद जो यहां बैठे हुए हैं, अमेरिका से आए हुए यहां के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी शादी का निश्चय किया है। गुरुजी जिस दिन इसमें मूर्ति स्थापना होगी उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। और मेरे उनको शादी के लिए, मुझे उनके शादी के लिए तो काली की स्थापना करनी जरूरी है। उनके शादी के लिए तो काली की स्थापना जरूर करनी है। तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा, वेंकटाचार्य सब लोग अभी बैठे हुए थे, तो गुरुजी काली की मंदिर, काली की मूर्ति हम जयपुर से मंगवाएंगे या फिर पैठन से मंगवाएंगे या फिर तिरुपति से मंगवाएंगे? मैंने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, काली रामचंद्र की पूजा की हुई काली अभी भी जमीन में गड़ी हुई है, आप सभी के सामने उसको ही आकाशमार्ग से लाकर यहां स्थापना करूंगा। आपके सामने वचन देता हूं कि मैं करूंगा। और मैंने उसका निर्णय आज अभी पंचांग दत्तु भैया ने लाकर मेरे सामने रखा था। 1 नवंबर के दिन काली की मूर्ति की स्थापना होगी। आप सभी लोग आह्वानित। मैं सिर्फ केवल ये बताना चाहता हूं, मैं परम पूज्य सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी शिष्य हूं और मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। साधना में तत्पर रहे। यहां 1 नवंबर को दक्षिण काली की स्थापना होगी। और एक बार कहता हूं, एक बार जरूर, आज तक मैंने कभी आपको आवाज नहीं दिया लेकिन आवाज आज देता हूं, दक्षिण काली की स्थापना होगी तो यहां आपको निर्णय करना है शतचंडी करनी है या सहस्त्र चंडी या लक्ष चंडी, ये आपके ऊपर निर्भर है। उस दिन हम यहां क्या करना है, जिस दिन काली की मूर्ति की स्थापना होगी, स्वयं गुरुदेव लक्ष चंडी उदयपुर महाराज के मंदिर में किए थे, फिर यहां लक्ष चंडी होगी या दस सहस्त्र चंडी होगी या सहस्त्र चंडी होगी, ये आप सभी साधकों के ऊपर निर्णय है। मैं तो काली की काली को लाकर स्थापना करने का बात मैं करता हूं, भक्त की कामना है उसकी पूजा करना, आप क्या करेंगे निर्णय आप पर छोड़ता हूं। आप सहस्त्र चंडी करेंगे या लक्ष चंडी करेंगे ये सब आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन 1 नवंबर के दिन जरूर काली की स्थापना यहां होगी और पूजा होगा। आप सभी को आह्वान है। मैं दशमहा विद्याओं में पहली काली के मूर्ति की बात यहां कह रहा हूं जहां स्थापना हुई, तो इसके बाद मैं आपको जरूर वचन देता हूं कि दूसरी बार जब मैं तारा की स्थापना करूंगा तो तारा को मानस सरोवर के पास से मंगवाऊंगा। ये मेरे गुरु का चिंतन आप देख ले, मेरे गुरु का स्थान सामर्थ्य आप देख ले। मैं ये बात यूं ही नहीं कर रहा हूं, मेरे जीवन में मैं रहा या ना रहा, लेकिन आने वाला कल आपको ये बता देगा कि परम पूज्य सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण सीमा जी इस संसार के ब्रह्मांड के एक सर्वश्रेष्ठ सन्यासी और साधक, सर्वश्रेष्ठ ऋषि, सर्वश्रेष्ठ दश महाविद्याओं के ज्ञाता, मंत्रवेत्ता, तंत्रवेत्ता थे, और उनका एक शिष्य ऐसा भी था जो इस संसार में करके बताया, और जो उनके चरणों में समर्पित है वो सारे लोग एक बात कर सकेंगे। आज जिस दक्षिण मुंडकाली मुंडमाला प्रयोग को मैं कह रहा हूं, आपके जीवन में वह भी उतना ही आवश्यक है जितना हम सिद्धाश्रम पहुंचना आवश्यक है, जितना गुरुजी ने कहा है। उस मुंडमाला प्रयोग के कारण के लिए मैंने कल बताया था, तो अब तक मुझे जहां तक पता है शिवा ने कहा कि कल केवल रात में 12 बजे 70 लोगों ने ही साधना की है। और मैं केवल कहता हूं
कि वो 70 लोग अपने हाथ कर दक्षिण काली मुंड वाला प्रयोग को अपने साथ लेकर आके बैठे। मैं शिवा के साथ भजन सुनने के बाद उस साधना को पहले यहीं करवाऊंगा और आप उसका प्रभाव देख लेना। अगले साल आप आएंगे तो काली के साथ बात करेंगे जो आज कोहली की मुंडकाला प्रयोग करते हैं।